हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कृष्ण कहते हैं कि एक बद्ध जीव इस संसार में सिर्फ दो ही चीज करता है, वो है शोचति और कांक्षति। शोचति का मतलब है शोक करना, अफसोस करना, और कांक्षति का मतलब है कुछ इच्छा करना, डिज़ायर करना। तो एक तरह से देखा जाए तो हम भी तो यही कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ इच्छाएं करते हैं, काश मेरे पास ये हो जाता, काश मुझे ये मिल जाता, और हम अफसोस करते हैं, ओहो मुझे इसकी आवश्यकता है परंतु मैं ये हासिल नहीं कर पाया। परंतु कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो ऐसा नहीं है, वो किसी भी चीज़ के लिए अफसोस नहीं करता और किसी भी चीज़ की कामना नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन कृष्ण को समर्पित है। वो हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, एक समान रहता है और इसको कृष्ण की कृपा मानकर उसको एक्सेप्ट करता है। और ऐसा व्यक्ति फिर हो जाता है प्रसन्न आत्मा, फिर वो हमेशा अपने अंतकरण में प्रसन्न रहता है। और एक चीज़, ऐसा व्यक्ति सभी जीवों के प्रति एक समान रहता है, सम सर्वेषु भूतेषु। जैसा कि 5वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक गाय को, हाथी को, कुत्ते को, ब्राह्मण को और चांडाल को भी एक समान दृष्टि से देखता है, और वो देखता है कि ये सभी लोग कृष्ण के अंश हैं। और तब जाकर मद भक्ति लभते पराम, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त होती है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर हमने हमारे पूरे जीवन कृष्ण की भक्ति नहीं की तो हम हमारे अंत समय में, मृत्यु के समय पर सिर्फ यही दो कार्य करेंगे निश्चित रूप से, और वो क्या है, वो है शोचति और कांक्षति। ओहो मैं अपने जीवन में ये हासिल नहीं कर पाया, अफसोस, और मुझे और ये भी प्राप्त करना है, कांक्षति। तो कृष्ण तो बहुत दयालु है, जैसा वो 8वें अध्याय में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण लोके त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कृष्ण कहते हैं कि जिस जिस भाव से एक व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, उस भाव के अनुसार एक आत्मा को नया शरीर मिलता है। तो वो आत्मा को अगर कोई इच्छा है तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसे एक ऐसा शरीर मिलेगा जिससे वो इच्छा को वो सबसे अच्छी तरीके से पूरा कर सके, चाहे वो शरीर एक शेर का हो, मछली का हो, एक छिपकली का हो, एक कुत्ते का हो, या फिर एक वृक्ष का हो। और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये बहुमूल्य मनुष्य शरीर विफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण के महान भक्त राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में ये कहते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैय विशतुमे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वो प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपको स्मरण कर पा रहा हूँ, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप अभी मेरे प्राण ले लीजिए, क्योंकि जब मेरा अंत समय आएगा तो कफ, पित्त और वायु से मेरा दम घुट जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में मैं आपको स्मरण कैसे कर पाऊँगा। स्मरणम कुतस्ते, तो इसको कहते हैं हृदय से भावपूर्वक की गई प्रार्थना की पराकाष्ठा। तो इससे हम साफ समझते हैं कि अगर हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें हमारी मृत्यु की तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी मृत्यु का समय अत्यंत कठिन होने वाला है, और उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सहायता करेगी, और वो है कृष्ण के चरणों में की गई हमारी अब तक की भक्ति। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।